साहित्य कहानियों की श्रृंखला में आज कथा साहित्य में सुनिए पवित्रा अग्रवाल जी द्वारा लिखी कहानी चमत्कार का इंतजार। मम्मी जी किसी सत्संग से लौटकर आई थीं। वो बहुत खुश नजर आ रही थीं। आते ही मुझसे बोली, सपना आज एक बड़ा अच्छा समाचार सुनकर आई हूँ। गुजरात में एक माताजी हैं, उनके आशीर्वाद से कई निसंतानों की गोद भरी हैं। सुना है उन्हें बस कुछ हजार बच्चों का आशीर्वाद देने का वरदान प्राप्त हुआ है। शायद इसीलिए जगह जगह से सैकड़ों लोग वहां जा रहे हैं। कई जगह से स्पेशल बसें भी जा रही हैं। तू भी अर्जुन के साथ वहां चली जा, हो सकता है हमारे यहाँ भी कोई चमत्कार हो जाए। उनकी बातें सुनकर मैंने चुप रहना ही उचित समझा। अब तक उनके कहने पर ना चाहते हुए भी मैं कई जगह भटक चुकी हूँ। अब और कहीं जाने का मन नहीं करता। सपना तू चुप क्यों है? कोई जवाब नहीं दिया तूने। यदि अर्जुन चलने को तैयार हो गए तो चली जाऊंगी मम्मी। वैसे आप स्वयं अर्जुन से क्यों नहीं कहती? मम्मी चुप रहती हैं। मैं जानती हूँ वो अर्जुन से कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि अर्जुन का इस सब में विश्वास नहीं है। मम्मी कहेंगी भी तो अर्जुन साफ मना कर देंगे, इसलिए वो मेरे ही पीछे पड़ी रहती हैं। मम्मी जी से गुजरात की माता जी की चर्चा सुनकर मुझे अपनी सहेली गरिमा का स्मरण हो आया। हम दोनों ने एक साथ हाई स्कूल पास किया था। उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। 3-4 महीने पूर्व वो मुझे मिली थी। बहुत खुश नजर आ रही थी। शर्माते हुए उसने बताया था कि वो शायद माँ बनने वाली है। 3रा महीना चल रहा है। मैंने कहा था, शायद का क्या मतलब है? कोई शक है तो डॉक्टर को दिखा ले, टेस्ट से पता चल जाएगा। वो रहस्यमय ढंग से मुस्कुराई थी। ना तो मैं डॉक्टर के पास जा सकती हूँ और ना कोई टेस्ट करवा सकती हूँ। जिनके आशीर्वाद से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उनका स्पष्ट आदेश है कि बच्चा होने तक ना तो किसी डॉक्टर को दिखाना है और ना ही कोई टेस्ट करवाना, ना कोई दवा खानी है, वरना आशीर्वाद नहीं फलेगा। मेंसेज कब हुई थी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। मेंसेज तो मेरा बंद नहीं हुआ है, फिर तो गर्भवती नहीं है। माताजी के आशीर्वाद से जो महिलाएं गर्भवती होती हैं उनका मेंसेज बंद होना जरूरी नहीं है। खास बात तो ये है कि बच्चा 9 महीने से लेकर 18 महीने के बीच कभी भी हो सकता है। मैं अविश्वास से भर उठी थी। गरिमा, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, किंतु अपने ज्ञान के आधार पर कह सकती हूँ कि गर्भवती होने का पहला लक्षण मेंसेज बंद होना ही है। दूसरी बात, बच्चा 9 महीने ही माँ के गर्भ में रहता है, 10, 15 या 18 महीने नहीं। लेकिन सपना, ये सच है, हमारी पहचान की जितनी भी महिलाएं माताजी के आशीर्वाद से गर्भवती हुई हैं सबका हाल मेरे जैसा ही है। फिर तुझे कैसे पता चला कि तू माँ बनने वाली है? माताजी ने कोई दवाई भी खाने को दी थी? दवा तो नहीं, किंतु प्रसाद में मिश्री और इलायची दी थी और कहा था इसे पीस कर 1 महीने तक रोज सुबह खाली पेट कच्चे दूध के साथ लेना। उनके पास से लौटने के कुछ ही दिन बाद से मेरी तबीयत खराब रहने लगी। भूख नहीं लगती, खाने से अरुचि होने लगी। सारे दिन लगता कि उल्टी हो जाएगी। लक्षण तो सारे वही हैं। अब कुछ दिन में फिर उनके पास गुजरात जाना है। मेरी बात मानकर सपना एक बार वहां तू भी हुआ। तुझे सफलता मिली तो मैं भी हूँ आऊंगी, पर अभी नहीं। फिर तो माताजी के पास वरदान देने को कुछ बचेगा ही नहीं। कोई बात नहीं, कहकर मैंने बात को टाल दिया था। पर आज मम्मी जी की बात सुनकर मैं गरिमा का हाल चाल जानने के लिए उत्सुक हो उठी। जब मैं गरिमा के घर पहुंची तो उसके यहाँ कोई छोटा सा आयोजन था। गरिमा ने बताया कि उसका सतमासा पूजा जा रहा है। माता जी ने इसके लिए आज की ही तारीख दी थी। फिर भी हमने कोई भीड़ इकट्ठी नहीं की है, बस मेरे पीहर और ससुराल के लोग ही हैं। उसे देखकर
मुझे आश्चर्य हो रहा था क्योंकि उसका वजन, मैं समझती हूँ, 1 किलो भी नहीं बढ़ा था। पेट पर जरा भी उभार नहीं था। मैं यह सवाल उससे पूछना भी चाहती थी, किंतु वो बहुत खुश थी, सपनों के संसार में खोई थी। फिर भी एक सहेली होने के नाते मैंने कह दिया था, गरिमा, माता जी के आशीर्वाद के प्रति इतनी आस्थावान भी मत होना कि आशीर्वाद के ना फलने पर तुम बेहद निराश हो जाओ या मानसिक रोगी बन जाओ। मन ही मन यह मान कर चलना कि माता जी का रचा संसार छलावा भी हो सकता है। सपना, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं भी पूरी तरह आशावान नहीं हूँ। मेरे मन में भी शंकाएं समाई हुई हैं, पर मेरी सास पूरी तरह आश्वस्त हैं। एक बार मैंने उनके सामने शंका प्रकट की थी तो उन्होंने मुझे नास्तिक कह डाला था और यह भी कहा था कि किसी आशीर्वाद के फलने के लिए उसमें पूरा विश्वास जरूरी होता है। तब से मैं चुप रहती हूँ, वरना सब दोष मुझे दे दिया जाएगा। वैसे माता जी के घर में बहुत सी ऐसी माताओं के फोटो उनके बच्चों के साथ लगे हुए हैं जिन्हें माता जी के आशीर्वाद से बच्चे हुए हैं। वहाँ मुझे कई महिलाएं मिली जिन्होंने कहा कि उन्हें माता जी के आशीर्वाद से संतान सुख मिला है। मैं गरिमा को अधिक निरुत्साहित नहीं करना चाहती थी, किंतु मन में कई सवाल थे कि संतान सहित महिलाओं के फोटो लटके होने से ये कहाँ साबित होता है कि जो कहा जा रहा है वह सच है। जिन महिलाओं ने स्वयं ये बात कही कि वो उनके आशीर्वाद से माँ बनी हैं, वो उनकी एजेंट भी हो सकती हैं। मेरी इस मुलाकात के 3-4 महीने बाद एक दिन गरिमा मेरे पास आई थी। कुछ निराश दिख रही थी, कह रही थी, 10-11 महीने तो हो गए, और कुछ महीने इंतज़ार कर लेती हूँ, उसके बाद पुनः अपने डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाऊँगी। मैंने गरिमा से पूछा, तुम्हारे परिचितों में कई महिलाएं गर्भवती थीं, उनको कुछ हुआ? एक महिला ने तो 5वें महीने में सोनोग्राफी करवा ली थी। माताजी ने इस सब के लिए मना किया था, इसलिए नहीं हुआ होगा। एक महिला जल गई थी तो डॉक्टर से इलाज कराना पड़ा और दवा भी खानी पड़ी, शायद इसलिए उसे भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने अब तक एक बार भी दवा नहीं खाई है। कई बार तबीयत खराब हुई किंतु डॉक्टर के पास नहीं गई। देखो क्या होता है। वैसे मेरी सास की पहचान में एक औरत को आशीर्वाद प्राप्त करने के 15 महीने बाद बेटा हुआ है। इससे मन में विश्वास ने फिर जड़ें जमाई हैं। तुझे उस महिला का पता मालूम है? मैं उसे मिलना चाहती हूँ। सपना, एक दिन तू मेरे घर आ जा, सासू जी के साथ उसके घर चलेंगे। एक दिन मैं अचानक गरिमा के घर पहुँच गई। वहाँ कुछ महिलाएं बैठी हुई थीं, किंतु गरिमा वहाँ नहीं थी। पूछने पर उसकी सास ने बताया कि वो बीमार है और अपने कमरे में है। क्या हुआ गरिमा को? देखने में तो भली चंगी है, डॉक्टर की समझ में भी कुछ नहीं आया। वैसे भी हम अभी उसे कोई दवा नहीं दे सकते। अपने कमरे में वो उदास लेटी थी। गरिमा, क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं, बस डिप्रेशन है। डिप्रेशन का कारण तू भी जानती है और मैं भी। क्यों अपने को मानसिक रोगी बना रही है? माताजी के भ्रम जाल से बाहर निकल, उससे कुछ हासिल नहीं होगा। तेरी ये बातें मेरी सास ने सुन ली तो वो तुझसे भी चिढ़ने लगेंगी। मेरे घर वालों का तो उन्हें यहाँ आना भी पसंद नहीं है। तभी एक महिला को बच्चे के साथ अपने कमरे आते देखकर गरिमा ने कहा, सपना, मैंने तुम्हें बताया था ना, ये वही बच्चा है जो माता जी के आशीष से हुआ है। मैंने उस महिला से पूछा, सुना है आपका ये बच्चा माता जी के आशीर्वाद से हुआ है? हाँ, मैं तो इसे माता जी का आशीर्वाद ही मानती हूँ। इससे पहले मैं सब कुछ करके निराश हो गई थी। शादी के 7 वर्ष बाद माँ बनी हूँ। ये कितने महीने में हुआ? माता जी के आशीर्वाद प्राप्त करने के 15 महीने बाद हुआ है। गर्भकाल में आपका मासिक धर्म बंद हुआ था या नहीं? शुरू के कुछ महीने तो बंद नहीं हुआ था, बाद में बंद हो गया था।
आप पहले की तरह दुबली पतली रहीं या गर्भवती दिखती थीं? अंतिम 4-5 महीनों में गर्भवती दिखने लगी थी, वजन भी काफी बढ़ गया था। मैं समझ गई थी माँ बनने का समय 9 महीने से 18 महीने तक क्यों रखा गया है। इस बीच कुछ महिलाएं यदि प्राकृतिक रूप से गर्भवती हो जाती हैं तो उसे भी माता जी का आशीर्वाद ही समझा जाएगा। खून, पेशाब या कोई भी परीक्षण इसलिए मना है कि भेद खुल जाएगा। फिर भी किसी ने उत्सुकतावश टेस्ट करा भी लिया तो ये तो पहले ही कह दिया है कि इन स्थितियों में आशीर्वाद नहीं फलेगा। कोई दवा खा लेने से भी आशीर्वाद व्यर्थ हो जाएगा, जबकि 18 महीने की इस अवधि में बिना किसी दवा के रहना भी हर एक के लिए संभव नहीं है। कोई ना कोई दवा लेनी पड़ जाती है। फिर मजबूरी में उन्हें विश्वास करना पड़ता है कि माता जी के निर्देशों का पालन नहीं किया गया, इसीलिए सफलता नहीं मिली। माता जी पर अविश्वास की गुंजाइश कम ही है। सब भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब पढ़े लिखे जागरूक लोग भी इस जाल में फंस जाते हैं। मैं घर लौटी तो मम्मी जी ने पूछा, कहाँ चली गई थी? अपनी सहेली गरिमा के घर गई थी। वो भी माता जी के आशीर्वाद से गर्भवती है। 11-12 महीने तो हो गए, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। अभी भी वे सब चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। वो डिप्रेशन का शिकार हो गई है, फिर भी इलाज की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसे पागल बनाकर छोड़ेंगे। उसने भी कोई दवा खा ली होगी या कोई टेस्ट करा लिया होगा, या फिर वो भी तेरी तरह नास्तिक होगी। सुना है माता जी के आशीर्वाद से कई ऐसी औरतों को भी बच्चे पैदा हुए हैं जो ऑपरेशन करा चुकी हैं या जिनकी बच्चेदानी निकाली जा चुकी है। भगवान की लीला अपरंपार है, बस उसमें विश्वास होना चाहिए। मम्मी जी, आप भी कैसी कैसी बेसिर पैर की बातों पर विश्वास कर लेती हैं। यह सब गलत प्रचार है, लोगों की अज्ञानता का फायदा उठाया जा रहा है। हम पढ़े लिखे लोग भी ऐसे जाल में फंसने लगे तो व्यर्थ है हमारी पढ़ाई। तुम लोग पढ़ लिख कर नास्तिक हो गए हो, ना अर्जुन सुनता है ना तू समझती है। एक बार मेरी बात मानकर तुम भी वहां चले गए होते तो तुम्हारा कुछ बिगड़ जाता। मम्मी जी, पता नहीं मैं आस्तिक हूं या नास्तिक, बस इतना जानती हूं कि डॉक्टर ने हम दोनों में कोई खराबी नहीं बताई है। वैसे तो संतान प्राप्ति की कई नई तकनीक विकसित हुई हैं, जिससे कुछ प्रतिशत लोगों को सफलता भी मिली है, लेकिन वह पद्धति बहुत खर्चीली है और सफलता की कोई गारंटी भी नहीं है। हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम भी किस्मत आजमा कर देख लें, और इन जादू टोने तांत्रिक फकीरों में हमारा विश्वास नहीं है। अब किस्मत में संतान सुख लिखा कर लाए हैं तो वह हमें जरूर प्राप्त होगा, वरना हम दोनों ने फैसला कर लिया है कि 1 साल इंतजार करके किसी अनाथालय से एक बच्चा गोद ले लेंगे। अपना फैसला मम्मी जी को बताकर कपड़े बदलने के बहाने अपने कमरे में चले जाना ही मैंने उचित समझा, क्योंकि मैं किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी। लेकिन मैं जानती हूं कि वो अब बड़बड़ा रही होंगी कि कितनी बार इन्हें समझाया है कि अनाथालय में पल रहे बच्चों के ना माँ बाप का पता होता है ना उनके जाति धर्म का, वहां से बच्चा गोद लेने की जिद छोड़ दें। लेकिन मेरी कौन सुनता है? करेंगे ये लोग वही जो इनके मन में है। करो जो मन में आए, मैं कौन होती हूं रोकने वाली। कहानी यहीं पर खत्म होती है। इसी प्रकार की साहित्यिक कहानियां सुनने के लिए कथा साहित्य से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।